अथर्ववेदीय मांडूक्य उपनिषद के तृतीय प्रकरण अद्वैत नाम के प्रकरण पर विचार करते हुए यहाँ के स्मृति वाक्य के सहारे और युक्ति श्रुति अनुकूल युक्ति के सहारे अद्वैत पारमार्थिक सत्य है ये निश्चय करके ग्रंथ का दिखा रहे हैं। पहले युक्ति द्वारा समझाए कि जीव जीव की उत्पत्ति स्थिति आदि दिखाई पड़ते हैं, जैसे खत आदि कोई उपाधि की उत्पत्ति होने पर आकस्मिक उत्पत्ति होती जैसे प्रतिदि होती है, ऐसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। आकाश के ना वास्तविक उत्पत्ति है ना नाशय उपाधि के माध्यम से प्रतिदि माध्यम होते हैं। पूरी बात की शंका ये कि रहेंगे इससे जन्म वर्ण सबका अलग अलग दिखता है, सुख दुख का विषय सबका अलग अलग दिखता है, सबका कर्म अलग है, कर्म का फल अलग है, इसलिए जो भोक्ता जीव यदि अलग अलग नहीं होगा तो ऐसे सब शंका इस सबका शंका होने लग जाएगा। तब बोलते देखो उपाधि भेदकर के दोष की जो वृद्धि हो सकता है, इसीलिए इसके लिए पारमार्थिक आत्मा में भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। और इसी आपको सहारे भी हम कह रहे हैं देखो तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वर्गी में वहाँ के ब्रह्मविद आत्मियों की परम परम उसको प्रतिज्ञा करके उसको समझाने के लिए अंगमय कुछ प्राणमय कुछ मनोमय कुछ विज्ञानमय कुछ आनंदमय कुछ की वर्णन करती है सूर्य। फिर अपने आप सूर्य उसको निषद करते हैं नहीं, ये ब्रह्म जो है इससे पार करके इन पाँचों कोष को पार करके उसके पीछे आप समस्त कोष का अधिष्ठान और समस्त कोष किसी के यही व्यवहार करता है, इसलिए जो है यहाँ पे ब्रह्म प्रतिभा के विषय हो सकते हैं ऐसा करके सूर्य निर्णय करके लिखा गया। यदि ये पारमार्थिक सत्य वस्तु होता है तो सूर्य स्वयं उसको निषाद नहीं करते। जैसा मधु वहाँ पर जो ब्रह्मानंद बढ़ने में लिखा ऐसे ही बृहदारण्य उपनिषद में मधु ब्राह्मण में संपूर्ण आधिवेदिक और अधि भौतिक आध्यात्मिक तीनों जगत को नियंत्रण करने वाला एक ही तत्व है, वही पारमार्थिक सत्य वस्तु है। जो आधिवेदिक जगत का नियमन करते हैं वो आध्यात्मिक जगत को भी नियमन करते हैं, ये हमको लगना नहीं है। वहाँ का नियंत्रण भी अलग है, यहाँ का नियंत्रण भी अलग है। और बात है कि दूर का वस्तु में तो हम थोड़ा सा दूसरे को सोचते हैं, अपना वस्तु में हम सोचते हैं कि हमारे सड़क जो हमारे कॉमन है जो नजदीक का वस्तु है, पति के साथ में पत्नी के प्रति अपने बच्चे के प्रति इसको का शरीर को जाना कॉमन है। यहाँ भी अपना कॉमन यही चलते चलते एक ही जाए, चलते सब एक ही जाए, ये सब ये रहस्य मुझे समझ जाएंगे तब कहीं भी नहीं जाएगा। ये आप ये सब अंदर अंदर अभी विज्ञान जितनी है विज्ञान ने भी यही दिखाया कि जो है बाहरी जगत क्या जो फिजिक्स में भी देखो केमिस्ट्री में भी देखो कि एक्सटर्नल जगत जो भी है उसका इंटरनल उसी के ऊपर जो है एक चलाने वाला एक ही तत्व होता है। अब जो है कल श्लोक को पढ़ने के बारह नंबर नहीं पढ़ेंगे उसको लिया उपलब्धा दे रहे हैं आनंद जी। मनुष्य अहम प्राणी अहम प्रमाता अहम कर्ता अहम भोक्ता अहम इति पंचानाम विशिष्टानाम यत एकम स्वरूपम अनुगतम प्रत्यक्ष चैतन्यम तद ब्रह्म एव इति जीव परयोर ऐक्ये तैत्तिरीय श्रुते तात्पर्यम उक्त्वा तत्रैव बृहदारण्य श्रुतेरपि तात्पर्यम। ठीक है, पहले क्या बुद्धि है मेरे अंदर, मैं मनुष्य हूँ, आप भी सोचते हैं मैं मनुष्य, मैं भी सोचता हूँ, फिर प्राणी हम जीव जीवन धारण करता हूँ प्राणियों में, फिर प्रमाता हम मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ शब्द पद रूप कर दंड सबको मैं जानता हूँ, हमारे अनुभव में आता है भाई, इसलिए बोलते हैं प्रमाता हम, फिर कर्म करके कर्म फल का भोग भी नहीं करते करता अहम भोगता हूँ। ये पांच चीज तो सभी का अलग अलग दिखाई पड़ता है, मनुष्य हम प्राणी हम प्रमाता हम कर्ता हम भोक्ता हम, ठीक है ना। यदि पंचानाम ये जो पांच के द्वारा विशिष्टानाम सब अलग अलग विशेष भेद दिखाई पड़ते हैं, जब एक हम स्वरूपम जो अलग अलग भेद दिखाई पड़े इसके अंदर जो एक तत्व अनुसूत है अनुगत है एक तत्व वो स्वरूपम अनुगत हम जब एक हम स्वरूपम सबके अंदर जो स्वरूप चैतन्य में सबका अनुगत है वही है प्रत्यक्ष चैतन्य और सबके अंदर इन सबसे अंदर सबके अंदर जो चेतना का रूप तत्व है तब ब्रह्म है वह वही ब्रह्म है। क्योंकि इस प्रकार से अलग अलग जीव दिखाई देने पर भी उसके अंदर जो तत्व बैठा वो एक ही है, जीव पर ऐक्य जीवात्मा और परमात्मा की एकता की गोद में दैत्य श्रुति तात्पर्य मुक्त दैत्य श्रुति का तात्पर्य तत्व बोधन में है।
सर्वत्व का बोधन भी है, ऐसा कथन करके इस एकत्व बोधन में ही तत्व अब तक इस एकत्व बोध में ही तत्व बृहदारण्य सूत्री तात्पर्य बृहदारण्य सूत्र की भी तात्पर्य इसमें है। समस्त श्रुतियों की तात्पर्य वाला प्रतिपाद्य विषय क्या, समस्त श्रुतियों की प्रतिपाद्य विषय क्या है, जीव ब्रह्म एकत्व भेद जो दिखाई पड़ रहे हैं नहीं तो ब्रह्म प्रतिपाद्य तो नहीं हो सकता है, नहीं ब्रह्म की एकत्व यह प्रतिपाद्य विषय मुख्य रूप से होता है। इसलिए तद ब्रह्म ही प्रति जीव पर है और ऐसे जीवात्मा परमात्मा की एकता में तैतृय श्रुति तात्पर्य मुक्त तैतृय श्रुति के तात्पर्य को कथन करके तब से जो एकत्व बोध में ही बृहदारण्य श्रुति का भी तात्पर्य बृहदारण्य श्रुति का भी तात्पर्य है। आप देखिए 6, 7, 8 तीन टिप्पणियाँ दिखाई पड़ रही हैं, कहाँ किसी पंक्ति को प्रतीका किस पंक्ति को प्रत्येक टिप्पणियाँ है। पंचानाम विशिष्टानाम यहाँ प्रत्यय 6 नंबर में देखिए जो प्रत्ययमानाम जो भेद की प्रकृति हो रहा है, मैं कहता हूँ मैं भुक्तों कहते अलग अलग तो मैं कहता मैं जीव हूँ मैं कहता हूँ इस प्रकार से जो अलग अलग बोध होता है प्रत्ययमानाम है प्रत्यय पंचानाम इसकी तो कम से कम सभी प्रकृति होती है। फिर विशिष्टानाम देहादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्नानाम यद्यपि देहादि अलग अलग है और देहादि के साक्षात विशेष रूप से अलग अलग दिखाई देने पर भी वो चैतन्य के एक ही है। इसलिए बोलते हैं देहादि विशिष्ट देहादि के साथ विशेषित होकर के जो चैतन्य दिखाई दे रहा वो अभिन्नानाम वो भिन्न नहीं है, चैतन्य एक ही है। देहादि उपाधि से खरा कि साइज घरा के आकार में भिन्नता होने पर उसको अलग अलग आकाश देखो आकाश वास्तविक एक ही है। इसी प्रकार से देहादि विशिष्ट चैतन्य अभिन्नानाम अनुगतम उसके अंदर जो अनुसूत है विशेष भूतम है ना विशेष भूतम की घट है पट है मठ है घर भरा है पहाड़ है नदी है ये सभी में है हो गया विशेष और उसका विशेषण क्या हो गया घर पर मठ नदी पहाड़ मकान दुकान ये हो गया उसका विशेषण एक थोड़ा है को विशेषित करते बोलते हैं कि विशेष भूता में जो सभी के अंदर है रूप में विद्यमान है तो विशेष रूप में वो जो है एक ही है वो अलग अलग नहीं है। तो इसको लेकर के देखिए श्लोक नारे लिया दयोर दयोर मधु ज्ञाने दयोर दयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्यामुदरे चैव पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः यथाकाशः प्रकाशितः दयोर्दयोर्मधु ज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितं पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः दयोर्दयो दो लोका दो लोका मतलब अधिवेदिक और अध्यात्म के अंदर जो चेतन तत्व बैठा हुआ है वही मधु रूप है मतलब मोदन हेतुत्वात् मधु जो हमारे कुछ करने तृप्त करने के हेतु होने के कारण चाहे अधिवेदिक जगत में हो अच्छे अध्यात्म में दयो दयो इन दोनों में कौन एक अभिभौतिक जगत एक अध्यात्मिक जगत इसी तरह परम ब्रह्म प्रकाशितम उस दोनों के अंदर जो एक चेतन तत्व है वो उसके उसके द्वारा प्रकाशित होता है कौन की परम ब्रह्म शुद्ध चेतन आत्मा जैसे दृष्टांत दिया पृथ्व्याम उदरे चैव पृथ्व्याम कौन सा जीवन है सबसे प्रतिपदी हो गया पृथ्वी और इसमें धार्मिक संख्या सबसे नहीं बने का पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी में और हमारी उदर में जो आकाश पृथ्वी के बाहर है जावान एवं आकाश तावान एवं आकाश जितना हमारे अंदर के आकाश है उतना ही बाहर के आकाश मतलब दो आकाश नहीं है उपदेश करने के लिए समझाने के लिए दो बोलना पड़ता है। दयोदय जो दो लोका के यहाँ पे आश्रय दिया गया है वो अज्ञान की अनुवाद है पारमार्थिक दोनों के अंदर एक ही तत्व सत्य वो हमें प्रतिपाद्य विषय है जो अन्य प्रमाण से दिखाई नहीं देता
इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तैतरीय सूत्र तात्पर्य भोक्ता तत्व उसी विषय में बृहदारण्यक सूत्र के तात्पर्य भी कहते हैं। तयोर तयोर मतलब इन दोनों में जो एक ही मधु विद्यमान है, मधु मतलब मोदन हेतुत्व अमृतत्व हेतुत्व मधु, उसमें पर ब्रह्म को उसमें प्रकाशित किया गया उस मोदन के हेतु के पर ब्रह्म व्यापक तत्व। और जिस प्रकार हरित अलग अधिदेवी जगत अलग दिखाई पड़ता, आध्यात्मिक अलग दिखाई पड़ता, एक कैसे होगा? बोलते हैं जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश है, ऐसे तुम्हारे अंदर पीठ के अंदर वही आकाश है। दो आकाश नहीं है यहाँ पे, एक ही आकाश है। एक पृथ्वी में भी जो आकाश है, पिता अपने शरीर के अंदर भी वही आकाश है। जैसे ये प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से आकाश से भी सूक्ष्म तत्व जो पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है, वो हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व उसमें एक ही तत्व बैठा है, दो तत्व नहीं है। ये कब समझ में आएगा? जब तक हमारा द्वैत बोध समाप्त नहीं होता तब तक ये भेद दिखते हैं। द्वैत बोध समाप्त होते ही एक ही तत्व हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि द्वयोर द्वयोर मधुर है पर ब्रह्म प्रकाश तक प्रतिक्रिया पूरा हो चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टीका में आ जाइए फिर। मधु ब्राह्मणे बहुषु पर्यायेषु अधिदैव अध्यात्म विभक्तयोः स्थानयो अयमेव स, ये पुरुषन होना चाहिए अयमेव स, ये उसका उद्बंध के बात करें, ये वही है। पर ब्रह्म प्रत्यक प्रकाशित, पर ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप में प्रकाशित किया गया। मधु ब्राह्मणे नौ नंबर टिप्पणी का हमने कर लिया था, उसको फिर देखिए। द्वितीय अध्याय पंचमे ब्राह्मणे, द्वितीय अध्याय से पंचम ब्राह्मण, पहला द्वितीय अध्याय के पहला ब्राह्मण क्या है? अजातशत्रु ब्राह्मण, अजातशत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, तृतीय मोता मुक्त ब्राह्मण, मैत्री ब्राह्मण, मधु ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, क्षय ब्राह्मण है, क्षयखंड है द्वितीय अध्याय। इस मधु ब्राह्मण में द्वितीय अध्याय पंचमे ब्राह्मण क्या कहा गया? यम पृथ्वी सर्वेशम भूतानाम मधु, ये पृथ्वी समस्त भूतों का समष्टि कर्म फल से बना हुआ है, इसलिए सबके लिए मधु है। सभी मिलकर बनाया, सभी इसको भोग भी करते हैं। फिर इसी प्रकार से अस्य पृथ्वी सर्वानि भूतानि मधु, और उस पृथ्वी के लिए समस्त भूत मधु है। अरे भाई पृथ्वी कैसे बना? जीवों की कर्म से बना। जीव के लिए जो है ये जो है मतलब पृथ्वी किससे भोग करता है? जीव से भोग करता है। पृथ्वी के अंदर के देवता बैठे हुए हैं तो जीव से भोग करता है। जीव किससे भोग करता है? पृथ्वी से भोग करता है। इसलिए परस्पर एक दूसरे का मतलब मधु है, मतलब एक दूसरे के लिए मतलब हित कारण है, एक दूसरे का भोग होता है। पृथ्वी से हम भोग करते हैं, पृथ्वी हमसे भोग करते हैं। तो ये होता है पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी, इस पृथ्वी के लिए सर्वाणि भूतानि मधु, समस्त रूप मधु है। अब कैसे उसको देखा? बोलते हैं यस्वयं पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये जो पृथ्वी के अंदर जो देवता बैठे हुए हैं तेजोमय अमृतमय, जो पृथ्वी देवता बैठे, पृथ्वी देवता से पीछे जो शुद्ध चेतन तत्व है, प्रकाश स्वयं प्रकाश, तेजोमय स्वयं प्रकाश, अक्षेतन तत्व है, तेजोमय अमृतमय पुरुष, फिर यश्च अयम अध्यात्म, अभी हमारे पृथ्वी में शरीर में भी पृथ्वी में उसमें भी जो तत्व बैठा हुआ है वहाँ भी किस अध्यात्म है? शारीर शरीर भव शारीर तेजमय अमृतमय पुरुष, जो शरीर के अंदर जो तेजमय अमृतमय पुरुष है, ठीक है, अयमेव स, ये वही है जो वहाँ बैठा हुआ है। ये दो भिन्न नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इस शरीर के जो पृथ्वी भाग वहाँ पे वही बैठा हुआ है, अपने शरीर में ही तत्व बैठा हुआ है। ये अयम एव स, ये वही है, अयम ये वही है, उसका मतलब वो है, ये वही है ना जो यहाँ पे बैठा हुआ। दोनों में भिन्नता नहीं है, इस अभिन्नता की समझ नहीं दिखाई हमारे मानता विचार की फल है। अभिन्नता की समझ नहीं कि विचार की फल है, बार बार विचार करते करते विचार करते करते चाहे बाहरी जगत क्यों ना दिखाई दे, परंतु बाहरी जगत जो हमसे भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, उसके अंदर जो तत्व बैठा वो भिन्न नहीं है, वो एक ही तत्व है। एक उपाधि भेद है केवल, मात्र नाम रूप की भिन्नता की प्रतीति के कारण और चेतन में भिन्नता की प्रतीति हो जाए, वास्तविक उसमें भिन्नता नहीं है। तो अलग की पृथ्वी बा पृथ्वी जल वायु अग्नि वायु चंद्रमा आदित्य विद्युत नक्षत्र आकाश पुरुष विज्ञानमय पुरुष जीवात्मा धर्म
सभी में दिखाए, सभी में जो उसमें जो पुरुष बैठा हुआ है इसमें गई पुरुष 14 स्थान में ऐसा करके वहाँ पे अलग अलग करके दिखाने के बाद क्या बोलते हैं, तब देखिए में अयम एक सब जो अयम आत्मा, ये जो हमारे अंदर सर्वभूत रूप में बैठा हुआ है, आप क्या बोलते हैं कि आत्मा इदम अमृतम, ये वही अमृत तत्व है जो मैत्री ने जातु वर्ग से प्रार्थना की है ना, कि अहम तेन कोयम यगन अहम अमृतस्य अमृतत्वस्य नाश अस्ति विद्येन, धन के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं करना चाहिए है ना, अमृत तो ज्ञान ही अमृत का सत्य है, ये वो अमृत है जो पूरा पहले जो कथन करके आया उस सबको यहाँ पे मधुर अंग में समेट दिया, वही तत्व की जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है, अदक्ष ब्रह्म में उसका वर्णन किया गया, मैत्री ब्रह्म में उसका वर्णन किया गया, और वशिष्ठ के विषय पर रूप ब्रह्म में भी उसी का वर्णन किया गया, तब तो अलग अलग नहीं है, वर्णन की प्रक्रिया में थोड़ा भिन्नता है, इसलिए यहाँ पे मधु अध्याय की मधु कांड में भी समाप्ति है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तीन चीज बोलता है, इदम अमृत ये वही अमृत तत्व है जो मैत्री ने जातु वर्ग में उसे प्रार्थना किया, इदम ब्रह्म ये वही ब्रह्म है जो ब्रह्मदेव प्रमाणित ऐसा करके देवक बालक को अगस्त शत्रु समझाना चाहते थे, वही वही ब्रह्म है, और इदम सर्वम ये वही सर्व वस्तु है जिसको प्राप्त किम तक ब्रह्म अधीन सर्व किम तक ब्रह्म अभेद यस्मात तक सर्व भगवती, वही है ब्रह्म जिससे कि आप सर्व ब्रह्मता के मतलब सबको जाना हो जाता है, ये वही तत्व है, इस प्रकार से तीन चीज यहाँ पे बताते हैं, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दर्शन करने का मैंने कि उत्तर ब्रह्म अभी तस्मात तक सर्व भगवत, इस प्रश्न के उत्तर सात्मा में जो अभी हम ब्रह्मास्मि तस्मात तक सर्व भगवत, इसको ये वही सर्व है जिसको सर्व शब्द बता दे वही तत्व है, ये अगर शत्रु ब्राह्मण में इसी को प्रतीक्षा के लिए बोलने के लिए वित्त वाले के वही ब्रह्म है, और मैत्री इसी अपने तत्व को ढूंढ रहे थे अपने जादू वर्ग से, इस प्रकार से वो तत्व भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही तत्व है, इसलिए एकदम अमृतम एकदम ब्रह्म एकदम सर्वे भी देव मादि रूप ऐसे अर्थ इस प्रकार से जो कहा गया है वो एक ही तत्व को ब्रह्म तत्व को जो हमारा स्वरूप होता के बैठा है उसी को प्रतिपादन कर दिया, इसलिए अब भाष्टिका में आ जाएगी मधु ब्राह्मणे बहुषु पर्यायेषु अनेक पर्यायों में कहाँ क्या पर्याय का पृथ्वी जल अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा विद्युत नक्षत्र आकाश धर्म मनुष्य इस सब में जब विज्ञान में इस प्रकार सब में एक एक करके पर्याय अलग करके दिखाया, आध्यात्मिक अद्वैतिक में पुरुष में भिन्नता नहीं है, बहुषु पर्यायेषु अधिदेव अध्यात्म विभक्त हो जिसमें अधिदेविक भाग एक है और एक अध्यात्मिक भाग है, तीन भाग में विभाजन है संसार, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत, तो अधिदेव रूप में जिस चेतन तत्व को दिखाना चाहता है अध्यात्म में चेतन में दोनों भिन्नता नहीं है, एक ही तत्व है, इसलिए विभक्त हो किसी स्थान हो आध्यात्मिक दोनों व्यक्ति अलग अलग का जो स्थान दिखाई पड़ा दोनों स्थान में अरे मे बस ये वही तत्व है, ये वही तत्व है जिसको कर ये बार बार अयमेवस इति परम ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रकाशित, परम ब्रह्म प्रत्यगात्मा रूप में वहाँ पे प्रकाशित है, इसी को दर्शन अथर्व ऋषि ने अश्विनी कुमार प्रभु वरिष्ठ के मधु ऐसा करके आता है, उसी में आता है कि तदस्व रूपम प्रतिलक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूप बहु इंद्र माया विद्यु रूपम तदनंतर कृष्ण, इस प्रकार से कि परमात्मा अपनी माया शक्ति से अपने को अनेक रूप अधिक व्यक्त किया, अपनी महिमा को अपने अंदर अपनी महिमा को अपने अंदर भिन्न दुष्टा को नहीं, इसलिए हम लोग ने कि मधु ब्राह्मण बहु शुभ पढ़े शु अभिदेव अध्यात्म विभक्त यो स्थान अयम इति परम ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रकाशित प्रत्यगात्मा में प्रकाशित किया गया, अतः अतः अस्मिन् बृहदारण्यं श्रुतेः अपि ब्रह्म आत्म ऐक्ये तात्पर्य इसलिए एकस्य एव स्फुट अभिमानात् सभी जगह पे एक ही तत्व के स्पष्ट रूप से कथन करने के कारण कोई एक तत्व ही सत्य है, अतः कृष्णम प्रतिपन्न एकस्य एव एकस्मतः एक तत्व का ही स्फुट अभिमानात् स्पष्ट रूप से कथन करने के कारण वही पारमार्थिक सत्व वस्तु है, यह अभिप्राय है, अतः अस्मिन् बृहदारण्यक सूत्र इस बृहदारण्यक सूत्र से भी ब्रह्म आत्मवेदारण्यक सूत्र का है ना तो षष्ठी वचन है, अत्र अस्मिन् बृहदारण्यक सूत्र इस बृहदारण्यक सूत्र का भी ब्रह्म आत्म ऐक्य तात्पर्य इसमें तात्पर्य है जीव ब्रह्म एकत्र प्रतिपादन नहीं तात्पर्य भेद प्रतिपादन नहीं है,
तत्र दृष्टांत वही दोनों एक ही है। इस विषय में दृष्टांत कैसे दे रहे हैं, पृथ्वीद्यामुदरे चैव यथा काश प्रकाशितः, इस प्रकार पृथ्वी में पृथ्वी का ऊपर जो आकार दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर अथवा शरीर से ऊपर जो आकार दिखाई पड़ता है वो एक ही आकाश है, कोई भिन्न आकाश नहीं है। किसी प्रकार से पूरा सृष्टि में एक ही चेतन तत्व है, उपाधि के जगह तो उसका भेद नहीं आता, भेद नहीं आती, परंतु वो प्रतीति मात्र होती है। अब जो है भाष्य रीति का कारण उपलब्ध न केवलम ऐक्ये न कैवल्यम ऐक्ये त्रैत्रीय श्रुति ही एव तात्पर्य किंतु बृहदारण्यक श्रुतिरपि केवल मात्र ऐक्य में ऐक्य में तैत्तरीय श्रुति ने बता तैत्तरीय श्रुति का तात्पर्य एकत्र बोध में यह बात नहीं है, समस्त श्रुति का तात्पर्य इस एकत्र बोध में है ना। इसलिए ऐक्य तैत्तरीय श्रुति ने बता तात्पर्य ध्यान देना, ये बात का अर्थ नहीं बोला, अभिप्रेत अर्थ तात्पर्य का तो क्षय लिंग भी कसोगी में डाल करके जो अभिप्रेत अर्थ निकलता है उसमें तात्पर्य है, किंतु केवल तैत्तरीय श्रुति नहीं बृहदारण्यक श्रुति का भी, बृहदारण्यक श्रुति का भी, ये दोनों यजुर्वेदी है, ये कृष्ण यजुर्वेद ये शुक्र यजुर्वेद है ना। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति का भी यदि आहुषि के मन में रखते भगवान वासुदेव बोलते हैं कि च अधिदैवतम अध्यात्मम च तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये जो अधिदैविक जगत में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष बैठा हुआ है, इस आध्यात्मिक जगत में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष बैठा हुआ है, अब उसे क्या बोला अधिदैवम अध्यात्मम च, जो अधिदैविक जगत में और आध्यात्मिक जगत में तो अलग अलग है, तेजोमय अमृतमय पुरुष एक पूर्ण व्यापक शयन प्रकाश अमृतमय जो पुरुष विद्यमान है, पृथ्व्याम अंतर्गत जो विज्ञाता जो पृथ्वी के अतिरिक्त जो पुरुष अलग अलग है जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं और जो अपने अध्यात्म में विज्ञाता रूप में जानना पड़ता है, परमात्मा ये कोई भिन्न वस्तु नहीं, यही परमात्मा है, वो यही परमात्मा है, ब्रह्म सर्व में ही ब्रह्म पूर्ण रूप से भिन्न हमारा सारा संसार में ब्रह्म ही मात्र इति द्वयोर द्वयोर, इस प्रकार दो दो का पृथ्वी का दो भाग है, एक बाहरी जगत में एक अंतर में, जल का भी दो भाग है, जो बाहरी जल को नियंत्रण करता है वही अंदर के जल को नियंत्रण करता है, फिर तेज का भी दो भाग है, एक बाहरी तेज एक अंदर में तेज, वो बाहरी तेज को जो नियंत्रण करता है वो अंदर में बट वही तेज को नियंत्रण करता है, नियंत्रण अलग अलग नहीं है, बाहरी जगत का अंतर में जगत का नियमन करने वाला एक ही तत्व है, इसलिए वही परमात्मा है वही ब्रह्म है, सर्व आत्मा सर्व, तो ये जो है द्वयोर द्वयोर आद्वैत छया, यहाँ पे द्वयोर द्वयोर बोल रहे हैं, दो दो का इधर आप बोलते हो कि जो है एकत्व है, आपको स्वयं द्वयोर द्वयोर बोल रहे हैं, दो दो में अधिपति का अध्यात्म दो अलग अलग करके बोल रहे हैं, बोलते हाँ जो आध्यात्मिक और अधिदैवी जगत उपाधि के जिनमें से अलग करके प्रतीति हो रही है उसके अंदर जो तत्व है वो एक ही है, अधिदैविक और आध्यात्मिक में अलग अलग करके प्रतीति हो रही है, इसलिए बोलते हैं द्वयो द्वयो, कब होगा ये आद्वैत क्षया, जब तक न भेद बुद्धि भेद बुद्धि मिलने पर एक एक तत्व समझ में आए, बोलते हैं आद्वैत क्षया, जब तक धीरे धीरे करके संपूर्ण द्वैत का नाश कर देने पर तब ब्रह्म प्रकाश होता हमारे अंदर के तुम्हारे व्यापक तत्व अभिव्यक्त हो जाए, इसमें पृथ्वी का दो भाग है बाहर और अंदर, ऐसे भी बोल सकते हैं अंदर और बाहर, क्यों नहीं बोल सकते, परंतु क्या है हमारे बाहरी जगत को स्पष्ट समझ में आता है, बाहरी जगत को लेकर भी हम विचार करते हैं, इसलिए बाहर को कहीं नहीं बोला, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है वही अंदर है, एक चीज और कहना बोला इसमें अंदर सूक्ष्म विद्या है, हमेशा ध्यान करना कि जो हमारा जितना आंदोलनिक वस्तु होता है ना, हम लगते हैं कि उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, बाहरी वस्तु के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, परंतु अंदरूनी वस्तु पर हमारा ऐसा लगता है जितना हमारी बुद्धि और मन का कंट्रोल भी हमारा अपना वो भी नहीं है, वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, वो किसी दूसरे का नियंत्रण जो हमारी जगह पर नियंत्रण दिया हुआ है, इसीलिए तो यहाँ पे जो है कि उसको चक्षु का भी श्रोत है, चक्षु का भी जो है प्राण का भी प्रण है, वो तो चलाने वाला है, वो एक ही तत्व है, इतने बोलते हैं आप बाहर को हम पहले इसलिए बोलते हैं कि बाहरी जगत को लेकर व्यक्ति विचार करते हैं तब अंदर आते हैं,
सृष्टि जाति को बोलते हैं, दोनों एक ही प्रकार से बोल सकते हैं। जो हमारे अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, भिन्न पत्र नहीं है। हाँ, पंचभूत पृथ्वी के जो बहिष्कार देवता नियंत्रण कर रहे हैं, बहिष्कार भी वही नियंत्रण कर रहे हैं। अब देखो जो अब यहाँ पे तो समझ में इतना नहीं आता, परंतु बाहर जो अग्नि है वही आपका जठर रूप में अग्नि में बैठा हुआ है, तो क्या ना हो दोष वो कौन है, ये भी तो भारी जगत को नियंत्रण कर वही अंदर बैठकर दोष यहाँ पे बोलते हैं। अब अधिदेवतम अध्यात्म च तेजोमय अमृतमय पुरुष पृथ्वी आदि अंतर्गत, जो पृथ्वी आदि के अंदर विद्यमान है और यहाँ पे अध्यात्म में जो विज्ञाता के रूप में विद्यमान है, विज्ञाता पर एव आत्मा, ये दोनों ही एक ही पर ब्रह्म आत्मा है, परमात्मा है सर्वम। दयो एक अब तक समझ में आएगा, जब ये जो भेद बुद्धि है दयो, पहले तो दोनों में दिखाया उपाधि के भिन्न से दो शब्द प्रयोग किया आपको दो दिखाई पड़ते, ये अनुवाद भाग है, ये अनुवाद भाग है, प्रतिवाद तो भाग तो एक अर्थ है, ये नहीं है। इसलिए बोलते हैं आद्वैत शया, जब तक ये भेद बुद्धि मिल जाता है, परम ब्रह्म प्रकाशित आपके पास, ये परम ब्रह्म ही स्पष्ट रूप में प्रकाशित होता है। वहाँ पे देखिए एक नंबर दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ना, पेज 145 में है दो टिप्पणी दिखाई, आद्वैत शयात इति, एक नंबर नहीं है, एक नंबर टिप्पणी के ऊपर प्रतीक में क्या लिखा हुआ है, आद्वैत शयात, तो प्रतीक वहाँ पे उसी के ऊपर एक नंबर लगा दिया, एक नंबर ही लगा हुआ है, ठीक है। आद्वैत शयात यहाँ पे आपके पास आम आम आता है ना, आम आ समुद्र के ऊपर तो राज्य नहीं कर समुद्र तक, परंतु आप ब्रह्म भुवनात्मक का इंक्लूडिंग ब्रह्म, एक इंक्लूडिंग एक एक्सक्लूडिंग, मर्यादा होते एक्सक्लूडिंग, अधिदेवी होते इंक्लूडिंग, यहाँ पे जो है एक्सक्लूडिंग मतलब सारा द्वैत क्षय हो जाएगा, अद्वैत अद्वैत बचे उसको छोड़कर जब वहाँ पे आते हैं आद्वैत क्षय। यहाँ पे जो आ शब्द प्रयोग किया हुआ है ये मर्यादा अर्थ में आया हुआ है, मतलब ये भेद बुद्धि जब तक नहीं मिलती, तो भेद बुद्धि मिल जाने पर एक अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इस भेद बुद्धि आद्वैत क्षय टीका में देखिए, द्वैत कालीनत्वा ब्रह्म उपदेशस्य तदानीं द्वयोर्द्वयोरिति द्वैत उक्तिर अविरुद्धा। ये जो अज्ञानियों के लिए शास्त्र है और अज्ञानी में भेद बुद्धि बना हुआ, भेद दिखता है, इसे भेद दिखती है, इस कारण से द्वैत कालीनत्वा ब्रह्म उपदेशस्य, आप जब हम उपदेश करते हैं तब भेद अबुद्धि बैठी है सजीव में, मैं शिष्य हूँ ये गुरु है, इस प्रकार से जो बुद्धि ये शास्त्र है इसको पढ़ के जान कर इसके बोलते हैं द्वैत कालीन ब्रह्मोपदेश, ये ब्रह्मोपदेश कब होता है, द्वैत अवस्थमी होता है, तदानी उस समय दयो दयो इति द्वैत उपदेश, उस समय जो ये दो में चाहे उसमें चाहे इसमें चाहे उसमें चाहे उसमें सभी में जो है एक तत्व विद्यमान है, दयो दयो इति द्वैत उपदेश अविरुद्धा। इस प्रकार यहाँ पे भेद कथन कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जी को समझा रहे हैं, तो साफ ही अनुवाद रूप आए, देखिए श्रुति के दो भाग है, एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपद भाग है ना, अनुवाद भाग क्या है, जिसको हमें दूसरे प्रमाण से हमारी बुद्धि में अपने दूसरे प्रमाण से आप उनसे भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, इसको श्रुति जब बोलती है तो ये श्रुति का प्रामाणिक भाग नहीं हो सकते, तो अनुवाद भाग है, अंतिम दोनों का अंतर जो एक तत्व विद्यमान है वो अंत प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, श्रुति प्रमाण से ही जानी जाती है, इसीलिए वो प्रतिवाद तो था, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं साफी अनुवाद रूप न पुनः प्रतिपादिका भाव, ठीक है, देखिए वो केवल अनुवाद भाग है, वो प्रतिपाद प्रभाव नहीं है, प्रतिपादन करनी नहीं चाहिए श्रुति, द्वैत को प्रतिपादन करना श्रुति के विषय नहीं है, वो शास्त्र सामान्य मूर्खानंद भी जानता है कि भेद है और भेद सत्य है, उसको लेकर के शास्त्र की क्या आवश्यकता है, अद्वैत कैसे हो सकता है वो शास्त्र दिखाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि द्वैत कालीन ब्रह्मोपदेश तदानीम द्वयोर द्वयोरिति द्वैत उक्ति अविरुद्ध,
साथी अनुवाद रूपा न पुनर्प्रतिपादिका इति भाव इसके अंदर भाव है। अच्छा, बाधा प्राप्त अवस्थितम अध्यारोपकालीन एव दैतम, है ना, ये बात समानाधिकरण में बैठा हुआ है ना, ये बात से बात समानाधिकरण से पहले है ना, मतलब बाद हम प्राप्त जब तक ये बाधित नहीं होता, द्वैत जब तक बाधित नहीं होता तब तक ये अध्यारोपकालीन हमें बदलते, अध्यारोपकाल में ही हम द्वैत प्रयोग करते, इसलिए वह बोला द्वयोर द्वयोर इति अनुत्तते, ये दो का इसको अनुवाद किया जाता है, न तो मोक्ष काले अपि मुक्ति अवस्था में दो रहेगा ऐसी बात नहीं है, न तो मोक्ष काले अपि तत् सत्यम, भेद की सत्ता रहेगा ये बोलना अभिप्राय, न विवक्षते मोक्ष काले अपि तत् सत्यम तो न विवक्षते, मोक्ष काल में भी भेद की सत्ता को हमारा कहना अभिप्राय नहीं है, हमारे कहना अभिप्राय नहीं है, ठीक है। तो किम तरी तत्व प्रतिपादित वहाँ पे प्रतिपादन करने की इच्छा स्थिति में क्या है, तब ब्रह्म प्रकाशित हमें ये प्रतिपाद तो भाग में होता कैसे हो सकता है, वो प्रतिपादन करना चाहिए तथा वो तो मधुम प्रतिपादित कहाँ पे प्रतिपादन किया गया है, इस प्रकार ब्रह्म को है ना, इस प्रकार एकत्र बुद्धि ब्रह्म को कहाँ प्रतिपादन किया है, वह किस जगह पे यदि आहोस्को पता है, ब्रह्मविद्याख्यम मधु अमृतम अमृतत्व मोदन हेतुत्वात् विज्ञायते, जिसके जहाँ तो समझा जाता है कि मधु ज्ञानम ब्रह्मविद्या नामक जो विद्या है वही मधु रूप है, क्योंकि वो अमृत रूप है, क्योंकि वो अभय रूप है, इसे मधु अमृतम मतलब अमृतत्व वहाँ पे अमृतत्व की हर मात्रा आनंद मिला, क्यों मोदन हेतुत्वात् वो खुशी की हेतु होने के कारण, आनंद के हेतु होने के कारण एकत्व बुद्धि आनंद के हेतु होता है, अद्वैत बुद्धि से भय होता है ना, द्वितीय कोई भय भवति एकत्व बुद्धि से व्यापकता की बुद्धि से पूर्णता की बुद्धि से आनंद होती है, इसलिए होता है मोदन हेतुत्व विज्ञायते, मतलब वो जाना जाता है जिसमें 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 नहीं थी वो मधु ज्ञान, मधु ज्ञान का दयोर दयोर मधु ज्ञान, मधु ज्ञान क्या है मधु ब्राह्मण जिसमें ये मधु ब्राह्मण है उसमें मधु ज्ञान मतलब दोनों के अंदर जो एक ही तत्व सबको खुश करने वाला तत्व वही ब्रह्म है, इस प्रकार से स्तुति ने वहाँ पे प्रतिपादन जैसे होता है मधु ब्राह्मण और तस्में इसमें मधु ब्राह्मण है मधु ज्ञान है मूल में क्या है दयोर दयोर मधु ज्ञान है ना, उसका अर्थ करते हैं मधु ब्राह्मण है, पहले बोला मधु ब्राह्मण है उसका शब्द में दस मधु ब्राह्मण है अर्थ, वहाँ पे इस प्रकार से भेद दिखा करके उन भेद उपाधि के भेद के अंदर निरुपाधिक तत्व भेद रहित है ऐसा कहा गया, उपाधि भेद के पर बावजूद भी उसके अंदर जो निरुपाधिक तत्व भेद रहित है ऐसा वहाँ पे कहा गया, ये विभव यदि आह तब वहाँ पे बोलते हैं कैसे ये हो सकता है, तब उसे बोलते हैं कैसे दो में एक ही हो सकता है, एक ही वस्तु दो अलग अलग वस्तु में एक ही तत्व कैसे हो सकता है, बोलते देखो इस विषय में दृष्टांत है, जैसा पृथ्वी के ऊपर आकाश दिखाई पड़ता है इसी प्रकार तुम्हारी पेट के ऊपर जो ही आकाश दिखाया है वो भिन्न नहीं है, मैंने इसलिए बोलता है कि दिवस कैसे ये हो सकता है, ये क्या पृथ्वीम उदरे से पृथ्वी में और अपनी जठर में यथा एक आकाश जैसे एक ही आकाश है, आकाश दो नहीं है, है ना, अनुमान प्रकाशित अनुमान के तरह समझा जा सकता है लोके जिस प्रकार लोक ब्रह्मांड में अनुमान के तरह ऐसा समझा जा सकता है तद्वत इत्यादि उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए, यहाँ भी समझ लेना चाहिए, समस्त औषधि की प्रतिपा के विषय एक ही है जीव की एक है। अब आगे टीका न केवलम
कैवल्यम ऐक्य तैत्तरीय स्तुतिरेव तात्पर्य किंतु बृहदारण्यक स्तुतिरपि केवल ऐक्य तैत्तरीय केवल ऐक्य में तैत्तरीय स्तुति के तात्पर्य है ये बात नहीं है किंतु बृहदारण्यक स्तुति के बृहदारण्य को सभी स्तुति का तात्पर्य इस एकत्व को भी अब इधर देखिए इसका निर्माण कौन है अधिदैव प्रतिव्यालो अध्यात्म शरीर तेजोमय ज्योतिमय चैतन्य प्रधान अमृत अमृतमय अमरण धर्म पुरुष पूर्ण प्रतिव्यालो शरीर से अंतर्गत विज्ञान सपर एव आत्मा यदि भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रतिव्यादि अंतर्गत जो विज्ञात्मा पर एव आत्मा ब्रह्म सर्वम इति इस पंक्ति का अर्थ टीकाकार लिखते हैं तदि दैव पृथ्वीआदो पृथ्वीआदि भूत में जो आदि देवी जो तत्व बैठा हुआ है पृथ्वीआदो पृथ्वीआदि में पृथ्वी जल तेज वायु चंद्र सूर्य नक्षत्र आकाश फिर जो है विज्ञान आत्मा धर्म ये सब जो है उसको यहाँ पे कहा गया है तो पृथ्वीआदो अध्यात्म च और शरीर अपने जो अध्यात्म आत्म है अपने शरीर तेजोमय ज्योतिर्मय अमृतमय ज्योतिर्मय जिसमें चैतन्य की प्राधान्यता है अमृतमय अमृत मतलब अमरण धर्म जो जन्म मृत्यु से रहित है इस प्रकार धर्म वाला जो पुरुष पुरुष मतलब पूर्णत्वात् पुरुष जो पूर्ण है पृथ्व्यादो शरीर के अंतर्गत जो पृथ्वी को गर्भ दिखाई पड़ता है शरीर का अंदर भी विद्यमान है सर्वपूर्ण अपरिच्छिन्न ब्रह्म एव इति परब्रह्म प्रकाशनम् इति विज्ञातु ब्रह्म विशेषण वक्त कथने न जानने वाला एक ही चेतन तत्व है दोनों जगह पे बैठा हुआ तीन नंबर टिप्पणी वहां दिखाई दे रहा है तीन नंबर टिप्पणी भाष्य में टीका में तीन नंबर टीका में जो है जिसका नाम तेन स विज्ञाता सर्व पूर्ण उससे तेन मतलब विज्ञातुर ब्रह्म विशेषण वक्त कथने न विज्ञातु मतलब अपने अध्यात्म में जो जानने वाला है प्रमाता वही जो ब्रह्म है यही परमात्मा इस प्रकार का मन के कारण विज्ञातु ब्रह्म विशेषण विज्ञातु ब्रह्म का विशेषण क्या हो गया जो ब्रह्म है जो जानने वाला वही ब्रह्म है इस प्रकार से कथन होने के कारण तेन सब विज्ञाता वही जानने वाला है कौन सर्वम पूर्ण अगर जिसके द्वारा सारा संसार पूर्ण है वही विज्ञान सर्व पूर्ण अपरिच्छिन्न ब्रह्म है वही विज्ञाता है जिसके द्वारा ये सारा संसार पूर्ण है वही पर ब्रह्म ही विज्ञाता है वही भी पर ब्रह्म प्रकाशित अब इस प्रकार से पर ब्रह्म को अध्यात्म में प्रकाश करके दिखाया गया है कथन किया गया है ये इसका संबंध है इस प्रकार से भाष्यकार की पंक्ति को अन्याय करना पड़ेगा अध्याय एक है अध्यारो एक हो गया अपमान अध्यारोप मतलब इस समय तैयारी करते हैं अपवाद मतलब इस समय निषेध करते हैं तो अपवाद अवस्थायाम अध्यारोप असंभवात इस समय हम अपवाद करते हैं निषेध करते हैं वहाँ पर फिर अध्यारोप नहीं करेंगे इस समय अध्यारोप करते हैं आरोप भी होता है आरोप काल में आरोप कर लिए इसलिए कहाँ से कहाँ तक हमने आरोप किया बुद्धि में बैठ देना चाहिए कि चतुर्दश भुवन अकल विदर शुकर अकल शंकर पाकर भूत भूवत्स महादेव तपोशक्तम इसके लोग इसके अंदर लोग जितना हमने सब कुछ जाना है इसका हमारे भी कुछ होता है अपवाद अवस्था अब इसका निषेध कर रहे हैं कि सभी के अंदर जो लोग और लोकी दोनों के अंदर चेतन तत्व तो बैठा वो सत्य है बाकी लोग और लोक नहीं कोई सत्य तो नहीं है ये अपवाद अवस्था से होता है अपवाद अवस्थाया अध्यारोप असंभव वहाँ पर जो अध्यारोप नहीं किया जा सकता इसलिए द्वयोर्दयोरिति कथम उच्यते वो दो लोग मतलब दोनों दोनों उस में भी इसमें भी ये कैसे कह सकते हो अध्यात्म तो आप अध्यारोप करते सुना ये भिन्न ये भिन्न ऐसा कहा था अपवाद करते सुना तो बात ये सारे बोलते ये जो है अनुवाद भाग है अपवाद अवस्थायाम अध्यारोप असंभव द्वयोर्दयोरिति कथम उच्यते
ऐसे कैसे कहते हैं? बोलते हैं कि भाई कि अज्ञान के कारण जो आपने अध्यारोप किए थे, जब तक ये अज्ञान नहीं मिलते तब तक ये दर्द दिखाई देता ही है, उसको मन में रखते हुए बोलते हैं कथम उच्चन का ट्रांसफर बोलते हैं आद्वैत शयात, जब तक मैं ये भेद बुद्धि मिल जाती है ना, ये बुद्धि में बैठी बैठा ही नहीं, आद्वैत शयात मतलब जब तक द्वैत बुद्धि का नाश नहीं होता, इसलिए बोलिए द्वैत क्षय पर्यंतम ब्रह्म प्रकाशन, संपूर्ण द्वैत को बात करके तब ब्रह्म को प्रकाशित किया जाता है, द्वैत क्षय पर्यंतम ब्रह्म प्रकाशन, संपूर्ण द्वैत प्रपंच को क्षय करके बात करके ब्रह्म को वहाँ पर प्रतिपादन किया जाए, दयोर पुनर्अनुवाद मात्रा में दिया था, जब ब्रह्म को प्रतिपादन करना चाहते हैं तो द्वैत क्यों बोलते हैं, बोलते हैं अनुवाद मात्र फिर होता है दयोर दयोर इन दोनों में दोनों अधिदैविक और एक आध्यात्मिक, उसमें जो पृथ्वी भाग है अधिदैविक और आध्यात्मिक जो जल भाग है, अधिदैविक और आध्यात्मिक जो वायु वायु भाग है, तेज भाग है, इस प्रकार से दयोर दयोर इति पुनर् अनुवाद मात्र में किया, ये दो जो कार्यक्रम में कहा जाता है वो केवल अनुवाद मात्र है, यहाँ पे देखिए तीन नंबर टिप्पणी का हमने पढ़ लिया चार पाँच छः है, चार नंबर टिप्पणी अपवाद अवस्थाया द्वैत प्रतिषेध रूपे, अपवाद किसको बोलते हैं, जो द्वैत को निषेध किया जाता है, द्वैत प्रतिषेध रूपे अस्मिन अस्मिन दैत्य प्रकरणे तथा भूते मधु ब्राह्मणे वा, इस प्रकार से मधु ब्राह्मण में अध्यारोप प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी अध्यात्मिक अधिदैविक आदि भूत जगत को दिखा करके उसको निषिद्ध कर देते हैं, और अपने भी श्रुति बोलते हैं कि माया भी पूर्ण रूप में ही रहते, परमात्मा अपनी माया शक्ति से अनेक रूप प्राप्त करते हैं, चार नंबर टिप्पणी अपवाद अवस्थाया दैत्य प्रतिषेध रूपे अस्मिन दैत्य प्रदेश प्रतिषेध करते हुए इस दैत्य प्रकरण में तथा भूत मधु ब्राह्मण, इस प्रकार के मधु ब्राह्मण में द्वैत को निषेध किया गया, दिखाया गई तो क्या दिखा, वो जो पृथ्वी अधिदैवी ये जो पृथ्वी अध्यात्मिक ये दो दिखा करके भी उसके अंदर एक ही तत्व विद्य माने, इस प्रकार के कैसे होता है तथा भूत इस प्रकार के मधु ब्राह्मण में वा आद्वैत छया पाँच नंबर टिप्पणी है ना, अत्र मर्यादायाम आम योग्यम, मर्यादा अर्थ में यहाँ पे आम आया हुआ अतिविधि अर्थ में नहीं, क्योंकि द्वैत को अद्वैत को बचाना है, सारा द्वैत प्रपंच का अधिष्ठान आपका अद्वैत है, यदि आप मतलब ये बोले अद्वैत को भी लेने में तो बचेगा कुछ कैसे, अद्वैत में भी अधिष्ठान को बचाना है, इसलिए यहाँ पे मर्यादा अर्थ में दिया, अत्र मर्यादायाम आम योग्यम ऐसा समझना चाहिए, अनुवाद मात्र दोबारा कहा गया अनुवाद मात्र निषेध समर्पण में ना, ये निषेध में ये समर्पित हो जाता है, दो लोग कहा एक अधिभौतिक में एक अधिदैविक में अथवा अध्यात्म में एक है, परंतु इसका अधिष्ठान एक ही है, इसीलिए इन दोनों को निषेध करने पर ही अधिष्ठान बचा सकते हैं, नहीं इसलिए होता अनुवाद मात्र निषेध समर्पणार्थ, मतलब निषेध जहाँ पे आप निषेध करते करते जिसको निषेध नहीं किया जा सकता, ये निषेध का अवधि है, निषेध का अवधि है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचते तो हो गया आप वेद छया, जहाँ पे जाकर का निषेध नहीं किया जा सकता है ना, वो हो गया वेद का निषेध अवधि, मधु ज्ञाने मधु एव प्रकाशित, मधु ज्ञान मतलब मधु धर्म को मात्र प्रकाशित किया न ब्रह्म, मधु ज्ञान मतलब मधु ब्राह्मण में, मधु ज्ञान क्या कहते हैं मधु ब्राह्मण, मधु ब्राह्मण में मधु एव प्रकाशित, कोई मधु को यहाँ पे कथन किया गया, ब्रह्म का नाम प्रकाश किया गया वहाँ पे, मधु ब्राह्मण उसका नाम है, ब्रह्म ब्राह्मण तो नहीं गया वहाँ पे, तो मधु ब्राह्मण ने मधु को प्रकाश किया गया, मधु एव प्रकाशित न ब्रह्म, ब्रह्म को प्रकाश नहीं किया गया, यदि आशंक ऐसा कोई शंका करते हैं तब बोलते अरे भाई मधु शब्द के द्वारा ही तो हम ब्रह्म को कहना चाहते हैं, गर्ज गर्ज तावत मूह, अरे मूर्ख तब तक तू हल्ला करते रहे जब तक मैं मधु पान कर लेता, सामान्य लोग उसी समय माता को सब मधु मतलब सारा बातें हाउ की देते हैं, परंतु वेदांत में उसका अर्थ क्या है,
अरे हमारे अंदर अहंकार तो तब तक हल्ला कर ले, जब तक मैं ये अद्वैत रूपी मधु को ना पान करूँ तब तक तुम्हारी हल्ला कर रहा है। जब जैसे ही मेरा अद्वैत रूपी मधु पान होगा तब तुम नहीं रह जाओगे, तब तुम नहीं रह जाओगे। ये मतलब देश हर जगह पे देखी वहाँ पे गर्ज गर्ज तावत मूढ़ जावत मधु पीवा भी हम, है ना, कि वो देवी बोलते हमारे अंदर की जो हमारी विवेक है वो हमारी जो है अहंकार बोलते हैं अरे तब तक तू हल्ला कर ले, जब तक ये आध्यात्मिक आदि देवी की भेद मेरे अंदर मिट ना जाए तब तक तुम्हारी स्थिति है, और जब वो भेद मिट जाए तब तुम नहीं कह पाओगे। और बड़ा सुंदर श्लोक है, अहंकार धियम भूते अहंकार धियम भूते सुप्त माँ प्रतिबोध है। क्या बोलते हैं, अहंकार बुद्धि को बोलता है अरे सोए हुए को मत जगाओ, सुप्तम माँ प्रतिबोध है, क्योंकि बुद्धि तो जगाते हैं हमारे विवेक को, तो अहंकार बुद्धि को बोलते हैं कि भाई ये इसका विवेक को मत जगने दो। अहंकार धियम भूते सुप्तम माँ प्रतिबोध है, क्यों जागृत ये परमानंद न तम न हम न कोई जगत प्रपंच, यदि ये तत्व जाग गया ना तो तू भी नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहेगा प्रपंच भी रहेगा, हमारा क्या समाप्त हो जाएगा। जागृत ये परमानंद है मतलब ये अहंकार मुक्त है, बुद्धि को जगने मत दो, विवेक को जगने मत दो, बुद्धि के सारे जगह उसको जगाएगा ना तो तू भी नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूंगा और हमारा जगत प्रपंच भी चला जाएगा। वारुणी शब्द का अर्थ भी कोई मतलब ऐसा आहुति आदि में देते हैं, वारुणी मतलब वरुण संबंधित जल आदि मतलब जल से मतलब तो झोंक रस को लेकर पीने का होता है। हमारे यहाँ जो ब्रह्मविद्या है मधुविद्या वारुणीविद्या भृगुविद्या ये ब्रह्मविद्या है, अभी ब्रह्मविद्या जब जाने पर सारा द्वैत प्रपंच नाश हो जाते हैं और तब तक उन लोगों की हल्ला गुंडा चलते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि मधु ज्ञान द्वैत क्षय अत्यंत मधु ज्ञान मधु एव प्रकाशित, अरे मधु ज्ञान में तो मधु वहाँ तो शराबादी का बात करता है, कहाँ ब्रह्मविद्या लाए वहाँ बोलते हैं न ब्रह्म यदि आशंक मधु ज्ञान शब्दार्थ मानो बुद्ध पाले, ये मधु ज्ञान की शब्दार्थ क्या है उसमें तो प्रतिपादन करके दिखाते हैं कौन विद्या हो तो जब ब्रह्म विद्या करे वहाँ पे जो है ना उपसंहार लिंग को देखो वहाँ पे ब्रह्म को प्रकाशित करना चाहते हैं। ब्रह्म विद्या के प्रकरण द्वितीय अध्याय में शुरू में प्रतिज्ञा करते हैं ब्रह्म तो प्रवाणी थी, और देखिए इसका मधु ब्राह्मण के अंतिम में अनंतरम अवाय कृष्ण प्रस्थान ब्रह्म ऐसा करके आए मधु ब्राह्मण का अंतिम है आप यहाँ देखिए शब्द जिस प्रकार आकाश एक तत्व मानते हैं और जहाँ कहीं भी शब्द होगा वहाँ पे आकाश एक ही है, वहाँ पे अलग अलग आकाश नहीं है, अलग अलग आकाश नहीं है। देखो ना पृथ्वीव्याम उदर जीव जमीन पृथ्वी के ऊपर भी जो आकाश दिखाई देता है हमारे अंदर भी जो आकाश दिखाई देते हैं दोनों एक ही अर्थ दोनों के लिए शब्द है, दोनों के शब्द एक गुण क्या है दोनों से शब्द सुनाई देते हैं उसको आप लेकर के बोलते हैं शब्द स्वरूप अचुत आश्रित रूपवत अनुमति। पूर्व पूर्व में मन मतलब यहाँ पर नया दर्शन में ऐसा बोलता है शब्द एक गुण है ना, गुण द्रव्य का आश्रय में रहता है ना, तो शब्द एक गुण होने के कारण कोई किसी न किसी द्रव्य का आश्रय में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बोलता है शब्द स्व शब्द एक गुण है, चौबीस गुण में गुण मानते हैं क्वचित आश्रित तत्व, क्योंकि गुण किसी न किसी द्रव्य एक आश्रम जरूर रहेगा, आश्रित तत्व धर्म में बैठे हैं जैसा रूप रूप किसका आश्रम है तेज का आश्रम है अनुमति आश्रित तत्व रूपवत प्रतिष्ठा शब्द क्वचित आश्रित तत्व रूपवत यानी अनुमान यह शब्द को पक्ष बना दिया और वहाँ कहीं किसी न किसी आश्रय में रहेगा क्योंकि वो गुण होने के कारण गुणत्व रूपवत, ठीक है, गुणत्व भी दे दिया वहाँ पर अनुमान किया जाता है। तब्द शब्द सामनाधिकरण
सामान्य तो सिद्धि, इसीलिए क्या होता है सब तो कोई ना कोई एक अधिकरण में है, कहीं सामान्य रूप से सिद्ध होगा। शब्द अधिकरण बना द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते, तथा शब्द सामान्य का सामान्य तो सिद्धि। और जब हमने जब शब्द कहने नहीं रहेगा सिद्ध होने पर, आप देखेंगे कि देह काल मन आत्मा यहाँ पर शब्द रह सकते हैं, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और बाकी जो रहेंगे आपका गंध मतलब जल फिर पृथ्वी और फिर तेज, इसमें भी नहीं रह सकते क्योंकि सबका अलग अलग आश्रय पहले निश्चय। इसलिए हमारे पास एक ही रूप परिषद न्याय से यही बचेगा कि आकाश इतना कुछ शब्दों का आश्रय हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि आप टिप्पणी करके जो समझाएंगे इसको कि सात नंबर टिप्पणी कच्चा शब्द अधिकरण सामान्य सिद्ध, शब्द का कोई एक अधिकरण है सामान्य रूप से सिद्ध होता है, फिर बाद में उसका विशेष अधिकरण लिखा गया परिशेषा आकाश में निषिद्धम। अन्य जगह में मतलब आठ द्रव्य में किसी द्रव्य में शब्द नहीं रह सकता है, इसीलिए आकाश में ही हो रहेगा ऐसा करके सिद्ध हो जाते हैं। तच्च कल्पना लाघवात एकमेव इति गम्यतारु, वो जो आकाश यदि अनेक आकाश मानोगे तो ना जाने अनंत आकाश मानना पड़ेगा आपको। आप कहोगे जहाँ कहीं भी आपको शब्द सुनाई दे अलग अलग पत्र यंत्र में अलग अलग शब्द, विभिन्न प्रकार के जीव होते सबका अलग अलग आवाज अलग अलग शब्द, और इस प्रकार यदि आपको आकाश के आश्रय में शब्द रहता है ऐसा आपने बोला तो आकाश भी अनेक अनंत मानो, ऐसा यदि आप कह दो तो बहुत बड़ा गौरव दोष होगा। एक आकाश मानने से काम चलता है, उपाधि की भिन्नता से जो है वो शब्द की भिन्नता होता है, जैसे ग्राम भी है कपड़ा भी है गंध भी है सभी में है, आकाश सभी में है। इसलिए बोलता है तत् कल्पना लाघव एकमेव इति गम्यते, वो एक ही है ऐसा समझ में आता है। तथा ठीक उसी प्रकार से बहिरअंतश्च एकमेव आकाशम अनुमान प्रमाणा प्रमाणा अधिगम, उसके फलस्वरूप क्या हो गया कि जहाँ कहीं भी कोई शब्द सुनाई देता है उसमें आकाश एक ही है ऐसा अनुमान चलने समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी आपको चेतना का शब्द स्फूर्ति दिखाई पड़ता है उसके आश्रय एक ही है जिसमें है। तथा अधिदेव अध्यात्म रूपम च ब्रह्म प्रत्यक भूतम, वो सबका स्वरूप भूतों का के विद्यमान है सिद्ध में सिद्ध होना इति उत्तरार्थम व्याख्या। इस प्रकार से श्लोक की जो अगला भाग है तृतीय उदय चेन्द्र जाता पाशो प्रकाशित श्लोक के अगला भाग को व्याख्या करते हैं कि अहम कैसे सभी में एक ही ब्रह्म है कैसे कह सकते हो, जैसे पृथ्वी के ऊपर अपने अंदर छंद स्पष्ट होता है जावान वही अयम आकाश आवान एवं आकाश जो अंतर विदय आकाश हो बहिर्द आकाश हो, तीन चीज वहाँ पे दिखा, तीन आकाश दिखा, एक हृदय आकाश, एक शरीर के अंदर आकाश और शरीर के बाहर आकाश, ये तीनों आकाश में कोई भिन्नता नहीं है। हृदय आकाश भी जितना बड़ा है बाहरी आकाश भी उतना बड़ा, छंद को सुनी में आएगी तीन आकाश दिखा वहाँ पे, एक हो गया हृदय के अंदर आकाश, एक हो गया शरीर के अंदर आकाश, एक हो गया शरीर के बाहर आकाश, ये तीनों आकाश एक ही आकाश है कोई भिन्नता नहीं है। छोटी बात का साक्षा इसलिए बोलते हैं तथा अधिदेवम अध्यात्म जब ब्रह्म प्रत्येक भूता इस प्रकार अधिदेवी में अध्यात्म भी जो ब्रह्म का तत्व को दिखाया जा रहा है शब्द स्वरूप होकर के एक ही तत्व विद्यमान है सिद्ध होता है। इसको मन में रखते श्लोक की अगला भाग मतलब पृथ्वी जैसे सभी पृथ्वी में हो चाहे बाहरी जगत में एक ही आकाश प्रकाशित होता है, इस प्रकार सभी के अंदर एक ही चेतन तत्व शब्द एक शब्द प्रकाशित हो रहा है। बाकी जो बाहरी वस्तु दिखाई पड़ रहा है ये पारमार्थिक शब्द वस्तु है अध्यात्मिक वस्तु। आत्मवेद छया जब तक भेद बुद्धि क्षय नहीं होती तब तक ये प्रतीति होती है, भेद बुद्धि भेद जाने का अधिष्ठान करते ही जाए। हमने केवल सात नंबर की ऊपर छूट दिया उसको कर करके समय थोड़ा सा नया शब्द। ओम आज कौन सा हुआ पहला कल दूसरा किया था, कल दूसरा किया था, अभी बोले सुबह पहले किया था, पहले किया अभी भी पहले कर नहीं स्टार्टिंग में पहले किया। वहाँ पे क्या है ना इधर दो है उधर तीन है इसीलिए जो है यह हो जाता है। तो आज किस तरह कल हमने वही किया था प्रयोग किया नाम सुबह पहले किया इसलिए वहाँ पे आज का जब शांतुहांतकारोरेशन उदनवती यदपादस्मता
श्रुति शम विनय प्राप्ति रक्षा यमो हा तत्पाको आवनीयो भवाय विनदो सर्वभावै नमस्ते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवाचार्य सुप्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुनाथेति मुक्तिभेदाय यो मद्यातदेहाय कल जो है ना पाठ बंद रहेगा, कल सुबह पाठ नहीं हो पाएगा क्योंकि कल जो है यहाँ पे एक रुद्राभिषेक हो रहा है, सावन की सोमवार है, 7:30 बजे रुद्राभिषेक हो रहा है वहाँ से कुछ लोग आते हैं यहाँ पे जो है कि रुद्राभिषेक करेंगे तो इसीलिए कल का दिन जो है पाठ बंद रखते क्योंकि फिर मतलब क्लास वगैरह तो सुनाई नहीं देता तो वो लोग का भी सुनाने की असुविधा होती है, तो कल सुबह का पाठ बंद रहेगा, शाम का पाठ नहीं, शाम का पाठ कैसे कल सुबह का पाठ पूरा बंद रहेगा, आज का बच्चा रुद्राभिषेक होगा।